So, hi guys, welcome back to my channel. This is Imansi Yadav, Wiggle once again. I hope everyone's doing really, really great. And आप ये जो क्यूट टेरी देख रहे हो, ये क्यूट टेरी बड़े वाले को छोटा नहीं करती है. बट या दिस इज़ वन ऑफ द गिफ्ट जो मेरी डांस क्लास के स्टूडेंट ने दिया है, मुर्सलीन ने. सो थैंक यू सो मच मुर्सलीन फॉर सच अ लवली गिफ्ट. जब मामा के घर पे थी उसने तब मुझे गिफ्ट मम्मा को ला के दिया. सो थैंक यू सो मच, ये बहुत क्यूट गिफ्ट है. दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. थैंक यू सो मच यार. ओके, इफ आई स्टार्ट विद द व्लॉग. और ये देखो बड़े वाला इधर बैठा है. ओके सो गाइज, मैं आज कुछ काफ़ी धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि आज मैं मॉम के बर्थडे का प्लान कर रही हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट एन आफ्टरनून हो चुका है. सो रात में हम कुछ खास प्लान नहीं कर पाए थे, बट आई एम थिंकिंग मेरा स्टैंड बाय था. सो मेरा स्टैंड बाय से अभी तक तो मेंटेन है. अगर बीच में पुल आउट हो गया, मुझे बुला लिया फ्लाइट के लिए, तो आई कैन से एनीथिंग. बट येस, आई एम प्लानिंग अ लॉट फॉर टुडे. बट मैंने शायद सोचा है, अभी इतनी पंखा इतनी आवाज़ करता ना, अगर मैंने पंखा अभी फैन ऑन किया हुआ है कि एटलीस्ट मॉम को पता ना चले. बट लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड सो मैं ये सोच रही हूँ कि यू नो डे ऑफ स्टार्टिंग का, तो मुझे सोचा लंच के लिए ना आई शुड प्रिपेयर अ मेन्यू कार्ड, ठीक है, जिसके अंदर मैं मेन्यू में लिखूँगी सारी चीज़ें, सो दैट कि उनको जो भी अच्छा लगे शी कैन चूज एंड लेट्स मेक दिस डे अ वेरी स्पेशल डे फॉर हर. सो यस, आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. एंड अरे यार, मुझे बहुत ही सेक्सी सा प्लान आया अभी. सो लेट्स सी अगर मैं उसको एग्जीक्यूट कर पा रही हूँ बिकॉज आज बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. एंड आई एम प्लानिंग अ लॉट बिकॉज मैं काफ़ी टाइम के बाद बैंगलोर से दिल्ली आई हूँ और दिल्ली में हूँ. मैं मॉम को बोलती हूँ तो ऑब्वियसली स्पेशल बताऊँगी, यू नो दैट राइट. बट या बट मैं ट्राई कर रही हूँ एक चीज़ ढूंढने की जो आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो. मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही हूँ यार, पर मुझे मिल नहीं रहा है मेन्यू कार्ड के लिए कुछ. समथिंग लाइक दिस समथिंग प्लानिंग दिस इज स्ट्रेट अवे. तो मैं सोचू पर ये पता क्या है, लूडो है भाई, ये लूडो है. तुम समझ रहे हो, मैं देखती हूँ लूडो को कैसे वो लूडो नहीं है भाई, चेस ही है. बहुत बढ़िया, जैसा मेरे को चाहिए था एकदम एग्जैक्ट मुझे मिल गया. बट इसमें मैं चिपकाती हूँ पेपर एंड देन आई एम गोइंग टू मेक दिस मेन्यू कार्ड फॉर माय मॉमी. एंड देन आई एम सो गाइस, मेरा प्लान ये है कि मैं मेन्यू कार्ड अभी बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ इसके अंदर ना ऐसा पूरा पेपर चिपका के एंड देन आई डिसाइड हैप्पी बर्थडे, अब दिस इज़ अ मेन्यू कार्ड फॉर यू समथिंग लाइक दिस. और उसके अंदर लिख के कैसे क्या क्या है इनके, मतलब सब कुछ जो खाना चाहती हैं. सो आई विल राइट एवरीथिंग एंड देयर इज़ वन डिश शी रियली रियली लव, दैट इज़ राम जी के लड्डू, दैट इज़ ग्रीन चटनी के साथ एंड ऑल. सो आई एम थिंकिंग टू प्लान दैट एज वेल, बट मैं मेन्यू कार्ड में लिखूंगी नहीं, बट मैं ईवनिंग उनको बना के खिलाऊंगी. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मेकिंग दैट लड्डू. मुझे खुद भी नहीं आते वो लड्डू बनाना, मैं बस ट्राई करने वाली हूँ. लेट्स सी, जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि वो अच्छी बन जाए. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू ईच वन ऑफ यू. अभी बहुत सारे काम है, आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर इन अ डे. बट यस, आई एम गोइंग टू मेक दिस सून, ठीक है. ओके गाइस, मुझे लगा मम्मी आगे बात. सो गाइस, मुझे लगा मम्मी आगे, मैं फटाफट से काम है पर सुबह आया हुआ था तो बेहतर रख देती हूँ. सो मेरा प्लान क्या है नाउ आई थॉट. सो मैंने ये सोचा कि सेकंड प्लान कि वो रोजेज लेके आके रोजेज वाले पैकेट थे, फिर वो रूम डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, और कैंडल्स, ठीक है. मम्मी को भी दो चीज़ पसंद है. और थर्ड चीज़ मैंने ये सोची है कि हम अपनी मूवी शादी करना चाहेंगे, मम्मी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस लेके आएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मीट हर. एक और चीज डिसाइड करिए बात करते हैं. सो मैंने ये डिसाइड किया, मम्मी को पसंद है राम लड्डू, तो वो मैं बना सकती हूँ. आप सोचिए मम्मी के कितने दोस्त हैं, वो लोग नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ फीलिंग कॉफी डिनर. सो मम्मी के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं स्कूल के दोस्त जो हैं, सो मैं सोची उन लोगों को कॉल करूँ मैं मम्मी के फोन से एंड आई टेल देम कि मेरे को आपके बीटे चाहिए, हैप्पी बर्थडे विश करते हुए. ठीक है, ये बेस्ट आइडिया है बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसे भी नॉर्मली फोन भी बात होती है, नॉर्मली बस बातें होती. सो मम्मी ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकी, मतलब दिस इज़ वन थिंग शी कैन नॉट थिंक. मतलब बाकी तो सब कुछ सोच लेंगे, ये होगा वो होगा ये होगा, बट शी कैन नॉट थिंक अबाउट दिस. सो आई हैव टू डिस्कस अबाउट बिकॉज मम्मी को मैंने कॉफ़ी के साथ अंदर बिठा दिया. बट लेट्स सी हाउ इट गोज, ये प्लान सक्सेसफुल होता भी है या नहीं होगा. सो या, सो वी आर गोइंग टू प्लान ऑल दिस थिंग्स एंड
शो मुझे हेल्प करेगा सारे प्लान्स में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू, कुछ घंटे रह गए, सो वी हैव टू डू प्लान. आई होपफुली ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाए. यार एग्जीक्यूट हो गया ना बहुत सही लगेगा, अदरवाइज अगर कुछ प्लान नहीं हो पाया देन वी आर पापा के हिसाब से वी आर गोइंग आउट. लेट्स सी, अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाएंगे, अदरवाइज बट आई हैव प्लान फॉर ऑल द, मम्मी ने बोला घर भी रहते हैं, सो लेट्स सी बाहर जाएंगे घर जाएंगे आपको तो पता चल जाएगा. दिस इज द करंट प्लान ऑफ अस एंड सी ऑल द व्हाट्सएप. बाय. सुन सुन, मुझे उस प्लान के लिए मम्मी का फोन चाहिए होगा, तो मम्मी को फोन लगा दो. सो गाइस छोटी चीज़ को जानते हैं, मम्मी को भी लैपटॉप यूज़ करना है. मम्मी ने लैपटॉप के अंदर ही लिखने के लिए हैप्पी बर्थडे मॉम, सो मैं लिखती हूँ. अभी मुझे लैपटॉप चाहिए वीडियो देखने के लिए, तो आई वी रियली हैप्पी. ऐसे मेरे लैपटॉप ओपन करके शी विल सी हैप्पी बर्थडे. एक बार इधर चलती चलती चल गया. सुन सुन सुन, मम्मी को ना लैपटॉप चाहिए यूज़ करने के लिए, तो मैंने सोचा किसी लिए हैप्पी बर्थडे मॉम पिक्चर के साथ एडिट में कर रही हूँ, तो इसमें डाल दे उसके बाद से जैसे मम्मी खोलेगी वो सामने आएगा हैप्पी बर्थडे. एडिट लगानी यहाँ पे जैसे मेरी लगी हुई है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे मैंने. सो वही जो हमने फोटो डिसाइड की मॉम के लिए करी है, एडिट कर चुके हैं. दिस इज़ लाइक हैप्पी बर्थडे मॉम, ये कितनी प्यारी लग रही है ना पिक्चर. सो हमने ये डिसाइड किया गाइस, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही लगाएंगे. मम्मी को फोन यूज़ करना है, सोशल मॉम को ये दिखाई देगा एंड वी विल रिकॉर्ड हर स्माइल. हैप्पी बर्थडे मॉम. मम्मी अंदर बैठी है, लैपटॉप यूज़ करो अपना काम. हैप्पी बर्थडे मॉम. मानसी की मॉम लिखना था, शोम की मॉम लिखना था, इसमें मॉम क्यों लिखा था? प्राइज. मानसी शोम ने लैपटॉप पे लगाया है मेरा बर्थडे का, बहुत ही अच्छा लग रहा है. आपने ही सोचा नहीं था ना? नहीं. गाइस मैं नीचे आई थी. सो गाइस मैं नीचे आई थी कॉल करने के लिए मम्मी की दोस्तों को, क्योंकि मम्मा ना पूरे घर में इधर से उधर घूमे जा रही है, तो इसलिए मैं नीचे आई कॉल करने के लिए, क्योंकि शोम का बहाना लेके चलती हूँ. बाय बाय. सो गाइस अभी मैंने सोचा ये सेटअप करने के लिए, तो मैंने ऑलरेडी ये सब तो लगा दिया है, और बस ये थोड़े से मैंने सोचा कि यहाँ पे तार ऐसे विजिबल हो रहा था ये, तो इधर ये लगाया है, और इधर मैं सोचूँ इधर ऐसे करके फ्लावर लगा देते, और ये काफ़ी सही लग रहा है. बस इसको ना सिर्फ मैं सिर्फ डबल साइड टेप से चिपकाया, तो मैंने इस पर टेप लगा कि तार ज़्यादा विजिबल ना हो, एंड इट शुड लुक प्रीटी. राइट. तो मैं बता दूँ यहाँ से, पता नहीं यार और ठीक लग रहा है, मम्मी को सरप्राइज पड़ जाता है. बट मेरे को ना थोड़ा सा एलईडी जो थी ना वो लगानी पड़ेगी. राइट, हमारे पास है वो. हाँ, वो लाइट लगानी पड़ेगी, फेरी लाइट जो होती है. ठीक है, लास्ट टाइम वही रह गए. और ये वाला प्लांट इधर यार ये अच्छा लग रहा है ना, काफी लोग बोले ये प्लांट में से प्लांट फ्लावर्स मिल गए. ऑलरेडी आप ये बेड पे सारे फ्लावर्स स्केची सब फैलो है, अभी सब कुछ ये सही करना पड़ेगा मम्मी का आने से पहले. मम्मी हम कुछ काम से जा रहे हैं, ठीक है? Okay. तो हम थोड़ी देर मिलते हैं आपको. बाय बाय. किसी काम से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और तब तक हम विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, और देन विल कम बैक. एंड दिस इज माउंट चीज केक नहीं मिल रहा है, सो लेट्स सी वन सेकंड जस्ट अ मोमेंट. आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? और मैं साथ साथ में ऑनलाइन भी देखती रहती हूँ अगर लाइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही. थैंक यू ईच वन ऑफ यू जिन लोगों ने भी, बिकॉज मैंने प्लान किया कि ना मॉम के लिए ना एटलीस्ट मैं जिन लोगों को भी, जैसे मॉम की फ्रेंड है, ठीक है, बिकॉज शी विल बी नोइंग अबाउट सब, उनको सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि ना हम ये प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गेट लेके आ रहे हैं, ये सब पता होगा. बट उनको ये आइडिया नहीं होगा इस चीज़ का कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, कि उनकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, अभी तो कोविड चल रहा है, हम लोग बुला लेते हैं उनको घर पर, बट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग ने सोचा कि इट्स ओके. मैंने सोचा कि लेट्स टेल देम टू मेक द वीडियो, तो वो वीडियो बना के भेज रहे हैं. सो आई रियली वांट टू थैंक खुशी, सो थैंक यू सो मच खुशी, दैट इज रियली स्वीट जेस्चर ऑफ योर्स. मुझे शी इज़ वेरी वेरी स्वीट यार, एक मेरी बहन खुशी और एक दूसरी खुशी है. सो यार थैंक यू बोलना चाहूंगी, शी इज़ वेरी वेरी स्वीट यार, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा यू नो कहती तुम बना के भेजती हूँ वीडियो, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. सो दैट्स इन स्पिरिट, सो थैंक यू सो मच खुशी, दैट वॉज रियली स्वीट जेस्चर ऑफ योर्स. एंड अभी तो यार काफ़ी अच्छा जा रहा है बर्थडे, एंड मम्मी के लिए हम प्लान करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं. और अभी हम कहाँ जा रहे हैं शुभम? अभी हम जा रहे हैं विशाल मेगा. सो या, सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग, मम्मी को लग रहा है कि हम एक गिफ्ट खरीद के लेके आएंगे, बट आई एम थिंकिंग कि हम विशाल मेगा में काफी छोटी छोटी चीजें भी मिल जाएंगी इजिली. सो यस शुभम, कैंडल्स लेनी है, याद रखियो यार, क्योंकि दिवाली वाली छोटी कैंडल्स होती है ना वो लेनी है. मैंने पापा को ऑलरेडी बोल दिया है कि ना
मैंने पापा को बोल दिया कि पापा लेने जा रहे हैं सारे के सारे फ्लावर्स के पेटल्स एंड चीज केक, बट चीज केक अगर नहीं मिला देन वी आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग एल्स। बहुत ज्यादा डेकोरेट भी करना है, ऑलमोस्ट कितने बज चुके हैं, 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, निकलते निकलते हम 5:30 से 7:30 तो घर आते आते हो जाएंगे, 1 घंटा लगेगा ढूंढने में, सर्च करने में एंड एवरीथिंग। आई एम वेरी क्यूरियस एंड वेरी एक्साइटेड एज वेल, लेट्स सी हाउ इट गोस। शुभम, आर यू एक्साइटेड? अरे डेफिनेटली आई एम, बट ऐसे शक्ल से लगता है तू एक्साइटेड है। मास्क पहन रखा है ना इसलिए। अच्छा, मास्क पहनने के इसलिए। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक, उनका रिएक्शन कैसा होगा? आई फील जाएगा तो अच्छा ही रिएक्शन, बाकी हमें सिर्फ टाइम मिल जाए अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। आई एम लाइक कि हमें प्रॉपर टाइम मिले कि हम डेकोरेट घर को डेकोरेट कर पाए अच्छे से टाइमली, और टाइमली हो जाए सारी चीज तो फिर सब अच्छा जाएगा, तब तो मजा ही आ जाएगा। मुझे करनी है गाइस, मैंने सब लोग को जितने फैमिली मेंबर्स हैं मैंने उन लोग को बोला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो होपफुली वीडियो टाइमिंग्स पे आ जाए एंड देन आई हैव टू एडिट दैट वीडियो। सो मैं सोच रही हूँ अभी मैं बैठ के वो सारी वीडियोस मैं कार में आते जाते एडिट कर लेती हूँ वो वीडियोस को, एंड वो डेफिनेटली टाइम पे वीडियोस मिल जाए तो मम्मी को काफी अच्छा रिएक्शन लगेगा वो, क्योंकि दैट इज द बेस्ट, ये बेस्ट पार्ट है हमारी पूरी प्लानिंग का। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड सारी जितने भी मेरी मौसी है, जितने भी मेरे मॉम के जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो लोग इतना शर्मा रहे थे वीडियो बनाने के लिए, बट उन्होंने मेरे प्यार के लिए थैंक यू सो मच, उन्होंने मेरी बात मान ली, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए। सो आप लोगों ने वीडियो बनाई हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, सो थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड एज वेल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, मैं भी करती वीडियो एडिट एंड आई विल सी यू आफ्टर लेटर, बाय। यहाँ पे हो रहा ट्रैफिक और हम आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट, सो हम फाइनली पहुंच चुके हैं। अभी के लिए था कुछ स्टफ अगर कुछ समझ में आता है तो, बिकॉज आई एम थिंकिंग टू बाय वन ड्रेस फॉर मॉम्स, अगर कुछ मिल जाती है यहाँ पे तो लेट्स सी। सो गाइस, शो नहीं करती है गाड़ी पार्क और हम जा रहे हैं अब, आ जा भाई। भाई भीड़ देखो, भीड़ देखो कितनी है ज्यादा। फाइनली आ चुके हैं, लेट्स सी हम क्या खरीद सकते हैं। भाई देखो भीड़ कितनी हो गई, मैं फाल चेक कर रहा हूँ। नहीं है भले, आप ब्रश दे सकते हो कितना कर कर, नहीं तो पीछे देख, पीछे देख, पीछे इनकेस यहाँ पे सही लगे तो चॉइस है। राइट, जो चीज़ मम्मी को पसंद आती है वो मानसी को उतनी अच्छी नहीं आती, ज़्यादा पसंद सेम चीज़ ऐसी ही है। राइट, पता इसलिए ऐसी गर्मी हो रही है यार बहुत, क्या समझ। सो गाइस, हम बाइक करने की कोशिश कर रहे हैं पर यहाँ पर हम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब समझ सकते हो यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा क्रश है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब एसी भी नहीं ऑन, नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, भाई चक्कर आ जाएंगे यहाँ पर तो मेरे को, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है स्पेशली यहाँ पर, कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को तो, मतलब समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो कि मैं लूँ या ना लूँ, आई एम जस्ट नॉट एबल टू गेट दैट। सो वी आर प्लानिंग टू गो समवेयर एल्स, अपने लिए लेना भाई, मम्मी के लिए लेना। मम्मी की वो क्यूटी पाई भी नहीं है, मुझे मम्मी को पसंद है। हाय, इसकी तो गर्दन ही मोड़ के रखी हुई है। भाई बच्चा देखना। सो गाइस, अभी हम क्या डिसाइड हुआ? तो अभी हम घर के लिए पॉट लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल तो रहा नहीं है ऐसा, मतलब मजा नहीं आया देख के, सही कलेक्शन यहाँ पे, कलेक्शन समझ में नहीं आ रहा, और मतलब गर्मी लग रही है, एसी भी ऑन नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है भाई, तुम देख सकते हो पसीने, देखो हमारे पसीने निकल रहे हैं बहुत ज्यादा। सो या सो दिस इज लाइक, इधर सारी जगह पे होम डेकोर का सामान वगैरह रखा हुआ है, मतलब कुछ हमने सोचा सर वही ले लेते हैं। अभी हम फैन के नीचे खड़े हैं, सोच रहे हैं यहाँ हवा लग रही है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर ड्रेस नहीं ले पा रहे तो होम डेकोर का कुछ लेते हैं, बट समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा ज़्यादा, सो गुजड़ गुजड़ हो रहा है यार सब कुछ, मतलब प्लान की एकदम क्या ही हो चुका है, बस क्या प्लान किया था क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है अगर हमने कुछ ऐसा कुशन कवर ले लिया कुछ ले लिया तो फिर मेरी मम्मी को वो भी पसंद नहीं आएगा, डिपेंड्स। हाँ,
guys, we decided to take this. तो हमें ये दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं, हमें तो काफी पसंद आएंगे. चल चलते हैं, यही ले लेते दो चीज. लेट्स गो. अबे रख रख इसको वापस रख भाई, लाइन देखो ही पर तुम यहाँ, मतलब एक दो चीज के लिए वो भी इतनी बड़ी लाइन. इसके लिए इतनी लंबी लाइन बढ़ाना रख रख वापस रख भाई. चल इसको छोड़ यार, वहाँ चलते हैं. मॉल जाने में भी टाइम लगेगा अब तो. सो नाउ वी आर बैक टू जीरो एंड नाउ वी हैव टू थिंक अ लॉट अगेन कि हमें क्या करना है. सो हम वापस रख रहे हैं इसको, गिर मुँह करके. ये सब चिढ़ा रहे हैं हमें, हमें चिढ़ा रहे हो, हमें चिढ़ा रहे हैं. नहीं ले जाएंगे यहाँ से समझ. एंड नाउ वी आर बैक टू जीरो, नाउ वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू गिव टू हर. सो गाइस हम फाइनली वोराजी कर रहे हैं, मम्मी का डेकोरेशन कर रहे हैं रूम का एंड उधर रखे कुछ काफ़ी प्लान किया है. लेट्स सी हाउ इट गोज. और दिस इज मी. पाइप गुम हो गया. शुम लेके आए कैमरा सो दैट वी कैन रिकॉर्ड मम्स बर्थडे. सो गाइस इसे खुल नहीं रहा था, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको खुलने के लिए. हैप्पी बर्थडे मम्मी. सो आप क्या बोलना चाहेंगे मम्मी की बर्थडे पे? पापा कुछ कहना चाहोगे? अभी रुक जाइए ना, एक व्हाट्सएप पे देख लो, एक मैंने कुछ लिखा था. ओ आपने व्हाट्सएप पे कुछ लिखा था, चलो बाबा व्हाट्सएप पे देख के बोलेंगे. वेरी नाइस. ओहो. सो गाइस मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमने ना मम्मी के लिए ड्रेस जो ऑर्डर करी थी वो तो नहीं आ पाई है. बिकॉज ऑर्डर जिस टाइम पे होना चाहिए था वो आज मैंने डेट डिसाइड की थी. जो मैं काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करी थी वो नहीं आई है. सो बट एक चीज़ है जो मैंने ऑर्डर करी थी, ये सरप्राइज ऑलरेडी उनके आ चुका है. मिंत्रा का बस एक ही पैक आया, तो आई एम गिविंग दिस टू हर. सो ड्रेस नहीं आई थी. आई थॉट कि ना मैं शुभ के साथ जाती हूँ और मैं ड्रेस डिसाइड करती हूँ. आज भी नहीं आया, कुछ पसंद भी नहीं आया. बट सो या दिस इज अ सरप्राइज फॉर हर. जैसी वो ड्रेस आएगी आई विल लेट यू नो. एंड I am super excited. जितना हो पा रहा है I am doing my best and I love you so much for the girl. So guys अभी current ये है situation. अभी सब कुछ फैला हुआ है. ये मुझे अच्छा लग रहा है, पापा देखते अगर हम इसको हटाएंगे तो. सो यार वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू मेक दिस लुक ऑल गुड. मम्मी बाहर आ चुकी. सो आप जा सकती हो, ठीक है? जाओ जाओ दूसरे रूम में जाओ, इस रूम में मत आना बस. okay. मम्मी बोल रही है अंदर आने के लिए. सो मम्मी को घर में लाइन के बाद. मम्मी अंदर आना चाहती हो आप? अच्छा तो फिर ऐसा करो, फिर आप अपनी आंख पे पट्टी बांध के आना, क्योंकि हम अपनी डेकोरेशन दिखा नहीं सकते, फिर क्या सरप्राइज रह जाएगा. पट्टी बांध के आना पड़ेगा आपको. ऐ अंदर नहीं आने का. बताओ पट्टी बांध के बैठना, अंदर तो बैठो ठंड लगेगी. यार कपड़े के लिए आपको खुश होने चाहिए पहले, अब आपको अंदर नहीं ले सकते, सॉरी. आपको इसे तो क्या हो गया यार, बीसी तो उल्टा गया ही पड़ता है. गाइस ये बहुत शरीफ बन जाता है, जैसे व्लॉग शूट होता है ना चुप हो जाता है वरना जब से बोल रहे बी उल्टा है बी सीधा है. सही है, क्या ही फर्क पड़ता है गाइस. तो बी तो बी दिख रहा है ना, ये कह रहा है ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, क्या ही फर्क पड़ता है, लग रहा है. यार वो ये फ्लावर पर जो वापन लगा ना ये बहुत बेकार लग रहा है, ये हटा दे. और ये प्लांट भी हटाइए यहाँ से, ये अच्छा लग रहा. और मैडम कुछ हटा दे से. भाई नहीं है. चल चल जी. अरे बाहुबली चावर क्या. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here.
Cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Guys finally ready ho chuka hai and mom ready aane ke liye and this is the whole look. Kaisa lag raha hai aap logo ko mujhe comment section mein zarur se batana. So this is the decoration for mummy. Dekhe ki chalte darwaza band karte hain. Papa ruko ek second ke liye. Yaar ye LED kyun nahi chal rahi yaar. Chal chal kaun si batti thi yaar kaun gayi. Oh gayi chal 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 chal. अरे यार लाइट जल जाना यार तू क्यों लाज में दिमाग खराब कर रही है. ओ जल गई भाई. ओ भाई जल गई. परफेक्ट परफेक्ट. सो दिस इज द राम लोकेशन. क्या बढ़िया लोकेशन लगे. सो रेडी रेडी हो बर्थडे गर्ल. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. अब आईज ओपन करो आंखें खोलो. Hello. Hello.